स्कूल्स का नॉन सैलरी बजट जारी है। बैंक ऑफ पंजाब ने स्कूल्स के अकाउंट्स में पैसे मुंतकिल कर दिए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन को भी आगाह कर दिया गया है। इस बारे में बताएंगे आतिफ परवेज। जी आतिफ जी, आखिरकार जो है स्कूलों को नॉन सैलरी बजट मिलना शुरू हो गया और मजमूई तौर पर जो अगर देखा जाए तो पहले एक सेंट्रल बैंक में जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से फंड जो है वो ट्रांसफर किया गया है, तो अब बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को बताया गया है कि फंड्स स्कूलों के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए गए हैं, तो स्कूल सरबराहान जो है वो स्कूलों से फंड्स हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से स्कूल्स के जो सरबराहान थे उन्होंने काफी अरसे से ये मुतालबा किया हुआ था कि स्कूलों को फंड नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से रोजमर्रा के अखराजात जो है वो पूरे नहीं हो रहे थे, तो दो किस्तें जो है अभी कहा जा रहा है कि वो स्कूलों के अकाउंट से मुंतकिल की गई है। एक किस्त अभी भी बाकी है और करोड़ों रुपए के जो फंड्स हैं वो स्कूलों के जो अकाउंट्स हैं उसमें मुंतकिल कर दिए गए हैं। इस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को आगाह कर दिया गया और कहा गया है कि वो स्कूलों को आगाह कर दें कि वो अपने मुतलका अकाउंट से जाकर पैसे निकलवा सकते हैं और जो रोजमर्रा के अखराजात हैं उनको पूरा करने के लिए ये पैसे खर्च हो सकते हैं। शुक्रिया आतिफ परवेज तफसीलात से आगाह करने के लिए।